एसपी ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को ट्रैक करना सिखाएंगे। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है तथा पर यूनिट कॉस्ट इससे इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए हमें फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करना पड़ेगा। इसको यस करने से जो पर यूनिट कॉस्ट है परचेज की वो इंक्लूड करेगी जो एडिशनल कॉस्ट हैं। इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब बैक जाइए एस्केप बटन डालकर। अकाउंटिंग इन्फो में हमने मान लीजिए लेज़र क्रिएट किए हैं, आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। मोहन अंडर संडरी कैरेक्टर है हमारा, जिससे हमने माल खरीदा, परचेज को परचेज के अंडर रखा। मान लो ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंसेस है वो एडिशनल एक एक्सपेंस है जो खरीदने के ऊपर था, सो इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर रखा है। अब आपके जो ग्रुप हैं उसको हमने चेंज करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। यहाँ हमने शो करना है अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब मैं वोचर एंट्री डालता हूँ अकाउंटिंग वोचर में जाकर, और चूज़ किया मैंने परचेज वोचर। मान लीजिए पार्टी है मोहन जिससे हमने माल खरीदा, परचेस हो गया। आइटम है मान लो प्रोडक्ट ए, क्वांटिटी मान लो हमने लिए 2000, 8 है 100 रुपया, 100 रुपीस पर यूनिट इसकी कॉस्ट है। इस हिसाब से 2 लाख रुपये पे हुए हुए बट एडिशनल कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या तो इसका रेट होगा, अगर रेट नहीं है मान लो 2000 रुपया हमारा खर्चा हुआ इस माल को लेके आने के लिए, इस खरीदे हुए माल को, तो जो ये रेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। 2000 यूनिट हैं और इसकी कॉस्ट है 2,02,000। इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब जस्ट स्टॉक समरी में जाइए। अब हमारी कॉस्ट थी 100 रुपये 100, पर यहाँ शो रेट हो रहा है कि 101। इसका मतलब 1 रुपये पर यूनिट जो कॉस्ट बढ़ी है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से इंक्रीज हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।